नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। राजा भोज के दरबार में एक प्रश्न उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें कोई गिर जाए तो बाहर नहीं आ सकता। सबसे पूछा गया लेकिन किसी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। राजा भोज ने अपने प्रिय मंत्री को बुलाया जो सबसे बुद्धिमान था, लेकिन वो भी निरुत्तर था। राजा ने कहा, तुम जाओ और 7 दिन के अंदर अंदर इस प्रश्न का उत्तर लेके आओ, नहीं तो आज तक जो धन दौलत जमीन जायदाद हमने आपको अवार्ड में दी है वो वापस छीन ले जाएगी और तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा तड़ी पार। तो मंत्री चल पड़ा प्रश्न की खोज में, उत्तर की खोज में। बहुत जगह घूमा, बहुत विद्वानों से मिला, लेकिन उत्तर नहीं मिला। निराश होकर जंगल में बैठ गया। वहां से गरड़िया गुजरा। गरड़िया ने कहा, अरे आप तो मंत्री हैं, राजा के दुलारे, आप उदास क्यों हैं? मंत्री ने सोचा, अभी इस गरड़िये को कौन बताएगा, इसको कौन मुंह लगाएगा, ये कौन होता है? तो उसने उसको कुछ नहीं बताया। उसने वो समझ गया गरड़िया। उसने कहा, हम भी सत्संगी होते हैं, हो सकता है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मेरे पास हो। मंत्री क्या ना करता, उसने सोचा चलो स्वार्थ की वजह से ही उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे राजा ने इस प्रश्न का उत्तर पूछा है, अगर मैं नहीं बताया तो मुझे कल निकाल दिया जाएगा। उसने कहा, गरड़िया ने कहा, मेरे पास पारस है, सो जिसको लगाओ सोना बनाता है, सोना ही सोना बनाओगे, एक बोज क्या कई बोज तुम्हारे पीछे घूमेंगे। एकदम से इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ठीक है, उसने बोला दे दो, लेकिन मैं ऐसे कैसे दूं, तुम्हें मेरी भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। मैं भेड़ का दूध पीने से तो मेरी बुद्धि ना कहीं खराब हो जाए, लेकिन क्या करता, पारस की बात आते ही उसने कहा ठीक है पिला दो। उसने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात है, मुझे मैं पहले दूध को जूठा करूंगा तभी तुम्हें पिलाऊंगा। उसने बोला, इस दो कोड़ी के गरड़िये का जूठा दूध कौन पिएगा? उसने बोला, जाओ पारस नहीं देता, रास्ता तुम्हारे आगे है, मैं तो नहीं दूंगा। उसने कहा, दे भाई दे, अपना जूठा करके दे। उसने कहा, मैं दूंगा, पेड़े तो हैं लेकिन दूध तो दोहना पड़ेगा कहीं किसी दूध की। उसने देखा वहां पे एक नर कंकाल पड़ा था, खोपड़ी। उसने कहा, मैं इसमें से पहले दूंगा, दूध निकालूंगा भेड़ से, फिर मैं जूठा करूंगा, फिर मैं अपने कुत्ते से चटवाऊंगा, फिर तुम्हें दूंगा पीने के लिए। एक बात तो मंत्री को है, सब छोड़ के चला जाए, इतना गंदा कौन पिएगा। लेकिन पारस का ध्यान आते ही उसने कहा, ठीक है मैं तैयार हूं, मुझे दे दे, जल्दी कर बस। उसने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने कहा, कौन सा उत्तर दिया तुमने? बोला, लोभी लालची एक ऐसा कुआं है जिसमें एक बार हम गिर जाते हैं उठ नहीं सकते, जैसे कि आप। पारस के चक्कर में मेरा जूठा दूध पीने के लिए तैयार है, नरकंकाल में जर्म्स वाला दूध पीने के लिए तैयार है, मेरे कुत्ते का चाटा हुआ दूध पीने के लिए तैयार है, यही एक लोभ ऐसा गड्ढा है जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते। एकदम उसकी आंखें खुल गई, सच है ये। तो दोस्तों, लोभ करें अपनी सेहत को बढ़ाने का, सेवा करने का, आप ज्ञान अर्जित करने का, लेकिन ऐसा लोभ ना करें जो फ्री में सोना आपका बना दे, ऐसा लोभ ना करें जिसमें आप गिर जाएं और फिर कभी बाहर ना निकल पाएं। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।